नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ट्रिपल सी के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए थे। ये एग्जाम सुबह के बैच, दोपहर के बैच और शाम के बैच में के क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन आज प्राप्त हुआ जिन लोगों से, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन किया हूँ और उसी को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था आज के क्वेश्चन में और कुछ सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत क्या है? अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट, तो हमारा क्या आंसर होगा? 400। 400% तक हम लोग जूम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछ ले एमएस वर्ल्ड में कितना प्रतिशत जूम कर सकते हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा? 500। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट में 400 और एमएस वर्ल्ड में 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सेकंड क्वेश्चन था। ये फुल फॉर्म के तौर पे आया था, क्या है? यूआरआई का फुल फॉर्म पूछा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, रिसोर्सेस आइडेंटिफायर है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन में एक यहाँ पे ऊपर ब्लिंक कर रहा है, जो लिखा है उस पर 11 फरवरी 2018, इस दिन जो ट्रिपल सी का एग्जाम हुआ था, इस दिन एक क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बार ये पूछा था कि बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? अगर बोला जाए इंग्लिश में, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट इन द बैंक, तो क्या हमारा आंसर होगा? 10 साल। ये आज के क्वेश्चन, आज के सुबह के बैच में ये पूछा था, आरबीआई के निर्देश के अनुसार, आरबीआई के रेगुलेशन के अनुसार बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए, तो क्या आंसर होगा? 10 वर्ष। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा देखिए, ये भी फुल फॉर्म आया था। और इस जो सारे क्वेश्चन हैं, ये सुबह शाम दोपहर के बैच के सबसे प्राप्त हुए हैं, एक ही दो प्राप्त हुए हैं, किसी से दो किसी से तीन, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसका एस एम टी पी का फुल फॉर्म आया था। इस एस एम टी पी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऊपर देख रहे होंगे एक ब्लिंक कर रहा होगा, उस पर लिखा हुआ 2018। मैं उस वीडियो के लास्ट में जहाँ पे फुल फॉर्म बताया था, वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आज फिर आया है 11 मार्च 2018 के एग्जाम में, इसके बारे में और क्या होता है, मैं एक बार इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, मतलब ईमेल के लिए है यहाँ पे, जो क्या है, एस एम टी पी ईमेल के लिए है। उपयोगकर्ता जो क्लाइंट होता है के कंप्यूटर से मैसेज को ईमेल तक सर्वत्र पहुंचाने और सर्वर से प्राप्तकर्ता जो सेंड प्राप्तकर्ता होता तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, मतलब सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए एस एम टी पी का यूज किया जाता है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें एच टी टी पी, यहाँ पे हम लोग दोनों डिस्कस कर ले रहे हैं, आप इससे आपको याद होगा, HTTP, इसका फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर ये पूछेगा तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब, जो WWW होता है, WWW हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, जो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। तो आपने दोनों पर डिफरेंस देख लिया, यहाँ से आपको जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ये फुल फॉर्म आया था, ये भी ई प्रोम का, WEPROM, इसका फुल फॉर्म होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरुआत है, यहाँ पे थोड़ा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है इसका फुल फॉर्म। इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम है, यहाँ पे जो रैम मेमोरी होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विधि से उसको मिटाया जाता है यहाँ पे, तो उसी के बारे में यह है ई प्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा जो कि है,
स्टार बस रिंग ट्री ग्राफ और मैश, ये सॉरी मैश नेटवर्क टोपोलॉजी के उदाहरण है। ये ट्रू फॉल्स में आया था। अगर इसमें बोला जाए स्टार बस रिंग ट्री ग्राफ एंड मैश आर एग्जांपल ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो क्या हमारा आंसर होगा? सही, ये सब नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार हैं। स्टार में स्टार की तरह टोपोलॉजी होता है, बस में एक सीधी बस की तरह टोपोलॉजी होता है, रिंग में एक गोल सर्किल की तरह टोपोलॉजी होता है, और ट्री में एक पेड़ प्रकार का मतलब वहाँ पे होता है, और ग्राफ में ग्राफ की तरह आपका नेटवर्क फैला हुआ होता है, और मेस में कभी इधर कभी उधर, मतलब उसका कोई रूटीन नहीं होता, इधर से उधर होता है, इसलिए इसको मेस नाम दिया गया था। तो ये सभी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सातवां क्वेश्चन है। यस टी एम एल सर्च इंजन के समान होता है, ये भी ट्रू फॉल्स में आया था। तो यस टी एम एल इज सिमिलर टू सर्च इंजन, तो क्या हमारा आंसर होगा? गलत होगा हमारा आंसर, ये सर्च इंजन के समान नहीं होता है। अगर एच टी एम एल के बारे में आप थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्या है इसमें मैं बता दूँ कि ये एच टी एम एल के बारे में, या वर्ल्ड वाइड वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू डब्ल्यू है, उस पर वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज है, जो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिस पे हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। आईपी एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होती है, मतलब आईपी एड्रेस कितने भाग में विभाजित होता है, तो हमारा क्या आंसर होगा? चार भागों में विभाजित होती है। यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर दे रहे हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, तो देखिएगा। आईपी वर्जन 4 आजकल जो अधिकतर यूज हो रहा है, आईपी वर्जन 4 का यूज हो रहा है। इसमें अगर पूछे IPv4, आईपी वर्जन 4 में कितने बिट का अंकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या आंसर होगा हमारा? 32 बिट का प्रयोग किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, इसमें 0 से 255 तक के अंकों का चार समूह होता है। अगर पूछे इसमें कितने अंकों तक का समूह होता है, तो क्या आंसर लगाएंगे? 0 से 255 तक अंकों का चार समूह होता है। अगर पूछे आईपी वर्जन 4 को किससे विभाजित किया जाता है, डॉट या दशमलव, तो इसे 3 डॉट दशमलव या डॉट द्वारा अलग किया जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज हम आज के जो एग्ज़ाम हुआ था, आज के सुबह शाम दोपहर को बीच में जो भी हुआ था, जो जहाँ से क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, आज डिस्कस किया गया इस क्वेश्चन को। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है। क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को किसमें मापा जाता है? ए कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इन मेजर इन डॉट डॉट डॉट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। एंड दोस्तों कल भी एग्जाम है, आप आज से लगातार एक हफ्ता लगातार ट्रिपल सी का एग्जाम ही है। कल मैं फिर से लेकर वीडियो के आऊँगा और देखते हैं कल क्या एग्जाम में पूछा गया है, और मैं कोशिश करूँगा कि कल कुछ नया हो, कुछ नए क्वेश्चन मिले। बट क्या किया जाए, कुछ दोस्तों को, जो भी दोस्त एग्ज़ाम देते हैं उन लोग को बहुत जो हल्का फुल्का क्वेश्चन होता है वही याद होता है, जैसे ईमेल हुआ और सारे क्वेश्चन हुए वही सब याद होता है। बट मैं कल कोशिश करूँगा कि कुछ नया टॉपिक लाऊँ, नया क्वेश्चन लाऊँ जो कि एग्ज़ाम में कल पूछा गया था। तो दोस्तों एक चीज़ और है कि जिस जिन लोगों का भी एग्ज़ाम हो जा रहा है, वो जिनको भी जो भी क्वेश्चन याद रहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दे। इससे फ़ायदा ये रहेगा उन लोग के लिए होगा जो आने वाले ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं, जो भी, मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट एक बार परीक्षा दे और एक ही अटेम्प्ट पे उन लोग का क्वालिफाई कर लें, तो ये ऐसे हो सकता है। तो आप लोग के सपोर्ट से ये बहुत अच्छा होगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए देखते हैं